भारत कोरोना संकट से जूझ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि बैंकों के विलय में कोई बदलाव नहीं होगा। शनिवार को आरबीआई ने 1 अप्रैल से 10 सरकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है, यानी बैंकों का विलय अपने तय समय पर ही होगा। मतलब ये कि 1 अप्रैल से बैंकों के विलय प्रभावी हो जाएगी। 1 अप्रैल से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा। इसके साथ ही सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में होगा। वहीं आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होगा, जबकि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया जाएगा। बैंकों के विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक 4 बड़े बैंक के तौर पर बनेंगे। इन 4 बैंकों के साथ ही देश में 7 बड़े सरकारी बैंक होंगे। आपको बता दें कि साल 2017 में जहां देश में 27 सरकारी बैंक थे, वहीं 1 अप्रैल के बाद 7 बड़े सरकारी बैंक, राष्ट्रीय स्तर के बैंक और 5 छोटे बैंक होंगे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।